अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप एक बार इसको ट्राई कर लेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी ये बनती है, आप इसका जायका नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ये कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। उसमें हमने चिकन ऐड कर देनी है। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसमें ऐड कर दिया है। चिकन के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका के ऐड करेंगे, यानी कि वाइट विनेगर के, जो कि इस चिकन की स्मेल को ख़त्म करने में काम आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। जब ये चिकन पक रही होगी तो इसकी खुशबू ऐसी ज़बरदस्त पूरे घर में फैली हुई होगी कि आपको लगेगा कि वाकई कोई चीज़ बन रही है। इसके अलावा इसमें जाएगा काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। आप काली मिर्च पाउडर यूज़ करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे फिर रेसिपी का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। इसलिए काली मिर्च को कूट कर यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें ऐड की। उसके अलावा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, उस वक्त तक जब तक कि चिकन 100% तक गल नहीं जाता। और ये तकरीबन 25-30 मिनट इसको लग जाएंगे और ये चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएगा। आपको बिल्कुल पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए तो टेस्ट फुल नहीं बनेगी, ये चिकन आपकी वो मज़ा नहीं देगी जो कि इसका खासा होता है। तो इसलिए पानी बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना है। आंच को आप बहुत धीमा रखिएगा तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको एक बार चेक करने लगी हूँ कि ये किस हद तक टेंडर हुई है और कहीं इसका पानी ड्राई तो नहीं हो गया, ये नीचे तो नहीं लग गई। तो आपने इस तरह से 1-2 दफ़ा इसको बीच में चेक ज़रूर करना है। अगर आपको लगे कि इसका पानी खुश्क हो रहा है और पानी कम है तो आप आँच को बहुत ही लो करके इसको पकाइएगा, अदरवाइज़ चिकन जो है वो अपना काफ़ी पानी इसमें छोड़ देगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप इसको 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा अच्छे से, और फिर से कवर करके छोड़ दीजिएगा तो उस वक्त तक जब तक ये 100% गल ना जाए। पूरे घर में इसमें ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है, स्पेशली जो सिरका हमने इसमें ऐड किया है वो लहसुन के साथ मिलके बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं और इसको मैं चेक कर रही हूँ कि किस हद तक टेंडर हुई है। तो जी बिल्कुल ये 100% टेंडर हो चुकी है। देखकर ही आइडिया हो रहा है कि इसके पीसेस, चिकन के पीसेस अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आपने इसको यहाँ पर 100% तक टेंडर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हमने इसको नहीं गलाना है। तो यहीं पर आप इसको 100% गला लेंगे। अब हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लेंगे तकरीबन 1/3 कप। किसी भी पैन में या कढ़ाई में आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए और उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको कि मैंने चॉप कर लिया है, और इन टमाटरों को इस ऑयल में हमने पकाना है। मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इनको पकाएंगे, और कितना पकाएंगे कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए और ये थोड़ा सा घुलना शुरू हो जाए। लेकिन हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से घुला नहीं लेना है, बस ये आपको लगे कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े से घुलना स्टार्ट हो गए हैं तो वहाँ पर हम इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर घुलना स्टार्ट हो गए हैं, उनका छिलका अलग होना शुरू हो गया है। तो बस आपने टमाटरों को इतना ही पकाना है। अब हम यहाँ पर इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इन टमाटरों को हम चिकन वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, क्योंकि चिकन जो है वो 100% तक गला हुआ है, इसलिए हल्के हाथों से हिलाइएगा ताकि पीसेस जो हैं वो टूटने ना पाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब फाइनली हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का एक बार फिर से ऐड करेंगे, और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही हम इसमें गर्म मसाला पाउडर का भी ऐड कर देंगे। कुछ हम अदरक के स्लाइसेस इसमें कट करके ऐड कर देंगे, बहुत बारीक से स्लाइसेस, और इसी तरह से कुछ हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और आप काली मिर्च का जो कुटी हुई काली मिर्च है वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए है। कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हरी मिर्चों का और अदरक का फ्लेवर भी इसमें आ जाए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही खुशबूदार ये बनकर रेडी होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।